आज मैं आप लोगों से एक पोस्ट के बारे में बात करने वाली जो मैंने दो दिन पहले फेसबुक पेज पर डाली थी, जिस पर काफी लोगों की प्रतिक्रिया दर्ज हुई है, उसी बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जो हमारी पोस्ट थी, क्या पूरे भारत में शराब पूर्ण रूप से बंद हो, यस या नो? शराब पीने वाला सिर्फ शराब नहीं पीता, माँ की खुशी, पत्नी का सुकून, बच्चों के सपने और पिता की प्रतिष्ठा सब एक ही घूट में पी जाता है। तो पता है आप लोगों को क्या जवाब आया? मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, कोई इंसान 30 दिनों तक बिना नींद लिए कैसे रह सकता है? सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं लोगों की प्रतिक्रिया। इस पोस्ट को देखकर किसी ने यस कहा, किसी ने नो कहा, किसी ने कहा क्यों झूठ बोल रहे हो, किसी ने कहा हाँ लेकिन यह संभव नहीं है, किसी ने कहा असंभव है, और आपको पता है किसी ने तो यह भी कहा कि शराब बंद होने से सृष्टि का विनाश हो सकता है, किसी ने कहा बंद मत करो पीकर सब खत्म कर देते हैं, किसी ने कहा यस। तो सामने से जवाब आया कि पीते तो आप सबसे ज्यादा हो, फिर किसी ने कहा हाँ पूरी तरह से बंद होनी चाहिए, लोगों ने तो यह भी कहा तत्काल होनी चाहिए, आपको पता है एक ने तो कहा ऐसा हो जाए तो और क्या चाहिए, धरती पर ही स्वर्ग है, मतलब शराब से धरती नर्क बनी हुई है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है इसका मतलब तो यही होता है, लेकिन फिर भी लोग शराब को पीने के बाद कहते हैं कि धरती पे ही स्वर्ग मिल गया है उनको, ये मैंने देखा है इसलिए आप लोगों से मैंने शेयर किया। फिर किसी ने कहा कि हमारे भारत में नामुमकिन है ये कोशिश, किसी ने कहा हाँ हमेशा के लिए इस बीमारी के कारण मेरे घर की खुशी खो गई है, और फिर किसी ने कहा कि यह हमारे समाज के ऊपर निर्भर करता है कि वह क्या चीज समाज में चलन में लाना चाहता है और क्या चीज हटवाना चाहता है। अब समाज के 70% लोगों के ऊपर निर्भर है, यदि वह चाह ले तो शराब, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी सब कुछ समाप्त हो सकती है, लेकिन यह संभव होना बड़ा मुश्किल है। यही कारण है कि नेता और धर्म के ठेकेदार मिलकर लोगों को भ्रम में डाल करके अपना मतलब सिद्ध कर रहे हैं। यही सत्य है, सत्यमेव जयते। और किसी ने कहा रोटी भी बैन होनी चाहिए, इसके बिना इंसान जिंदा रह सकता है, थोड़ा मजाकिया अंदाज में। फिर किसी ने कहा गवर्नमेंट कैसे चलेगी बिना शराबियों के। तो मैं यहाँ सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि सरकार की चिंता है कि अपनी चिंता है, क्या गवर्नमेंट चलेगी? आप शराब पीते रहोगे, आपकी गृहस्थी चल जाएगी, आपका घर परिवार चल जाएगा। तो लोग यहाँ बहाने दे रहे हैं कि शराब इसलिए पीते ताकि सरकारें चलती रहे। लोगों को लगता है, किसी ने कहा कि अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, मतलब उन्हें चिंता है अर्थव्यवस्था की, शायद इसलिए पीते हैं। क्या आपको भी लगता है कि शराब पीने से अर्थव्यवस्था सही हो रही है? अगर अर्थव्यवस्था सही भी हो रही है तो क्या आपके घर में पैसे आ जाएंगे शराब पीने से? सोचने वाली बात है। एक ने कहा 100% बंद हो जाना चाहिए या फिर इतनी महंगी कर देना चाहिए कि आम आदमी पीने की सोच भी ना सके। फिर किसी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सरकार नहीं होने देंगे। फिर एक ने कहा तब आएगा राम राज्य, जय श्री राम, मतलब जब शराब बंद होगी तो राम राज्य आएगा, ऐसा लोगों का मानना है। फिर किसी ने कहा संभव नहीं है, एक ही चीज का लाइसेंस सरकार देती है, बाकी सारे पेय गैर लाइसेंस के हैं। किसी ने कहा किसी भी चीज को प्रतिबंधित करना उसकी उत्तेजना को बढ़ाता है, शराब फिर भी मिलेगी, सरकार को राजस्व नहीं मिलेगा लेकिन माफिया मौज करेंगे। बिहार में दो दिन पहले ही जहरीली और अवैध रूप से बनाई गई शराब पीने से 22 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लोगों को सिर्फ इसके नुकसान बताकर इससे दूर किया जा सकता है, जबरदस्ती नहीं। तो ये थी लोगों की प्रतिक्रिया। यहाँ पे जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज लास्ट में किसी ने कमेंट में लिखा है कि चीजों का ज्ञान करा के चीजों को बैन किया जा सकता है। अगर व्यक्ति को ये पता चल जाए कि शराब के नुकसान क्या हैं, शराब पीने से उनकी घर गृहस्थी कैसे बर्बाद हो रही है, तो शायद वो पीना छोड़ दे। लेकिन इसका ज्ञान कैसे आए, वो तो सुनना ही नहीं चाहते किसी की। वैसे ये थे हमारे कमेंट, लेकिन आप इस बारे में अपनी क्या राय देना चाहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सारी बातें सभी लोगों तक पहुंचाई जा सके। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी लोगों को
धन्यवाद।